ग्रेसी गोस्वामी एक यंग और बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। ग्रेसी थोड़ी ही उम्र में अपने टैलेंट के दम पर खूब नाम कमा चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रेसी गोस्वामी की फुल बायोग्राफी। ग्रेसी गोस्वामी का जन्म 22 मई 2003 में हुआ था। इनकी एज ओनली 17 है। इनका जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ। इन्होंने न्यू इरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल वडोदरा से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इनके फादर हैं बिटिन गोस्वामी तो वहीं इनकी माता का नाम है वैशाली गोस्वामी। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है प्रियंशी गोस्वामी। ग्रेसी हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। ग्रेसी बताती हैं कि उनको पेंटिंग करना, डांस करना और किताबें पढ़ना बेहद ही पसंद है। ग्रेसी जब 10 साल की थी तब इन्होंने छोटे मोटे एड्स करने शुरू किए। ये सबसे पहले इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज नामक रियलिटी शो में दिखाई दी थी। इसके बाद इनकी तरफ ध्यान दिया गया और ये नजर आई जी टीवी के सीरियल बंधन में। यह इनका पहला सीरियल था। इसमें इनको एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला। इसके बाद इनके हाथ लगा कलर्स का सीरियल बालिका वधु, जिसमें की निम्बोली का मुख्य किरदार निभाती नजर आई थी। इस शो के बाद इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। इसी शो की बदौलत ग्रेसी गोस्वामी आज एक बड़ी एक्ट्रेस हैं। इसके बाद ग्रेसी गोस्वामी मायावी मिलिंग सीरियल में भी मुख्य भूमिका निभाती नजर आई थी। सोनी टीवी के सीरियल क्यों थे दिल छोड़ाए में भी इन्होंने अमृत का लीड रोल किया। इस शो से भी ग्रेसी गोस्वामी को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। यही नहीं, ग्रेसी गोस्वामी बॉलीवुड तक में धमाल मचा चुकी हैं। ग्रेसी गोस्वामी बेगम जान, कमांडो 3 और थप्पड़ जैसी मूवीज में नजर आ चुकी हैं। तो ये थी ग्रेसी गोस्वामी की फुल बायोग्राफी। आपको ग्रेसी गोस्वामी का कौन सा सीरियल पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।